हाय गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एडू टॉक्स में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में लाइट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल्स कराए थे, तो चलिए आज मैं आपको साउंड चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल्स करा देता हूं जो एसएससी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल एडू टॉक्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरंगे शून्य निर्वात निसंचरण नहीं कर सकती है? ऑप्शन नंबर है प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि तरंगे, ऑप्शन नंबर सी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है गामा तरंगे। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ध्वनि तरंगे। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल है? ऑप्शन नंबर 3.20 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 3.32 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 332 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 332 किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 332 मीटर प्रति सेकेंड। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होगी? ऑप्शन नंबर ए है जल, ऑप्शन नंबर बी है निर्वात, ऑप्शन नंबर सी है वायु और ऑप्शन नंबर डी स्टील। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी स्टील में होगी सबसे ज्यादा। हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बीटा तरंगी उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा वायुयान के उड़ने से, ऑप्शन नंबर ए भूकंप आने से, ऑप्शन नंबर सी समुद्र में मोटर फटके ध्वनि की तेज गति से चलने पे, ऑप्शन नंबर डी बिजली से चमकने से। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भूकंप आने से। हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पुल पर सैनिक कदम से कदम मिलाकर मार्च करे तो पुल के गिर जाने का खतरा रहता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए अनुनाद, ऑप्शन नंबर बी व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर सी पुल पर एक साथ अधिक बल लगाना और ऑप्शन नंबर डी प्रघाती तरंगों का उत्पन्न होना। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुनाद। हमारा सिक्स नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए फोन, ऑप्शन नंबर बी डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी हर्स्ट और यार ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेसिबल। हमारा सेवन नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा है? ऑप्शन नंबर ए 20 डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी 180 डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी 65 डेसिबल, ऑप्शन नंबर डी हमारा 80 डेसिबल। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 80 डेसिबल। हमारा एट नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तरंगे हैं ए नंबर जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, ऑप्शन नंबर ए जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। हमारा नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, उड़ते वायुयान का वेग ज्ञात किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा ध्वनि की अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी है व्यतिकरण कारण, ऑप्शन नंबर सी हमारा ध्वनि के अनुनाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा डॉपलर प्रभाव के द्वारा। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉपलर प्रभाव के कारण। हमारा टेंथ नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकता? ऑप्शन नंबर ए है लोटा, ऑप्शन नंबर बी है पानी, ऑप्शन नंबर सी है निर्वात, ऑप्शन नंबर डी है वायु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी निर्वात। हमारे 11th नंबर क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी हमारा संताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी हमारा आयान मंडल और ऑप्शन नंबर डी बहिर्मंडल। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आयान मंडल। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य किस आवृत्ति की तरंगों को सुन सकता है? ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज से कम की, ऑप्शन नंबर बी है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, ऑप्शन नंबर सी है 20,000 हर्ट्ज से अधिक या नंबर डी उपयुक्त सभी। अच्छा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ही आवृत्ति की तरंगे को मनुष्य सुन सकता है, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम। तो आशा करता हूँ गाइस कि आपको मेरा वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एडू टॉक्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। आज के लिए इतना ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।